कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ गिवन बाई 2t, वेयर वी इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड टी इन सेकेंड्स. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज, ये तुमको निकाल के बताना है. कितना तरह का एक्सेलरेशन पढ़ाए थे सर्कुलर मोशन में, क्या क्या? टेंजेंशियल और सेंटीपेडल. टेंजेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हम कब बताए थे? टेंजेंशियल कब होता है? जब स्पीड चेंज हो, तो डीवी बाई डी टी. जब स्पीड चेंज हो तो डीवी बाई डी टी. और अगर एसी निकालना है तो क्या फॉर्मूला है वो, तो चलो ठीक है. यहाँ कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर बाय आर. दो फार्मूला लगेगा, एक एसी बराबर वी स्क्वायर बाय आर और एक एटी बराबर डीवी बाई डी टी. बना लो. देखो, पार्टिकल जो मूव कर रहा सर्कल में, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और कितना स्पीड से मूव कर रहा है, वी बराबर 2t. देखते हैं, तो ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी. डी वी बाई डी टी करोगे कितना होगा बोलो, इसको डिफ्रेंशिएट करो. इंटीग्रेट नहीं, डिफ्रेंशिएट. 2, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो कितना आया 2. क्या यूनिट होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है. उसी तरह से तुम एसी निकाल लो. एसी क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर. तो जब टाइम 1 सेकंड है तब v कितना होगा, 2 होगा. जब टाइम 1 सेकेंड है तो v कितना होगा, 2 होगा. तो 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4. और r कितना दिया हुआ है, तो 4 बाई 1 कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो नेट एक्सेशन क्या होगा, जो रेडियल किधर होता है और टेंजेंशियल एक्सेशन किधर होता है, इधर होता है. तो क्या आ जाएगा नेट एक्सेशन, बोलो. 90 डिग्री है ना, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर कितना होगा, 16, और ए टी स्क्वायर कितना होगा, 4. 16 4 20, 20 का मतलब 5 रूट 2, नहीं, 2 रूट 5, 2 रूट 5, सही है. 5 रूट 5 का वैल्यू पता है क्या, वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा.